हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स फोरम। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये समय स्मॉल कैप फंड में निवेश करने का सही है या नहीं। आज हम इसको डेटा एनालिसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या स्मॉल कैप फंड का फ्यूचर क्या रह सकता है उसको बताने से पहले मैं आपको पहले छोटा सा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा कि स्मॉल कैप फंड होते क्या है, उन लोगों के लिए जिनको स्मॉल कैप फंड के बारे में नहीं मालूम है या ये कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, पहले दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में बात करें तो स्टॉक मार्केट में काफी सारी कंपनीज है। स्टॉक मार्केट में एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज होंगी वो लार्ज कैप कंपनीज होंगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होंगी वो आपकी होगी मिड कैप कंपनीज, यानी लार्ज कैप फंड आपका इन्हीं में जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज है उसमें निवेश करता है, मिड कैप फंड आपका इन्हीं 150 कंपनीज में निवेश करता है। मैक्सिमम जो उसका एलोकेशन रहता है वो इन्हीं कंपनीज में रहता है। उसके बाद 251 से लेके जो आगे फ्यूचर आगे की जो भी कंपनीज होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर वो आपकी स्मॉल कैप कंपनीज होगी, यानी स्मॉल कैप फंड का 65% से ज्यादा पैसा, एटलीस्ट 65% पैसा आपका इन्हीं कंपनीज में निवेश रहेगा। तो स्मॉल कैप फंडिंग का 65% पैसा तो आपका इन्हीं 251 से आगे की जो भी कंपनीज होगी उनमें निवेश होगा। बाकी जो रिमेनिंग 35% पैसा होगा फंड मैनेजर या तो उसे मिड कैप में लगा सकता है या लार्ज कैप में लगा सकता है एज पर द मार्केट आउटलुक, जो भी मार्केट का आउटलुक रहता है या फंड मैनेजर की जो भी सोच बूझ रहती है, जिस समझ से रहता है उसको, मार्केट की जितनी समझ है उस हिसाब से वो अपने फंड को एलोकेट कर सकता है। अब बेसिकली ये जो 251 से आगे की जो भी कंपनीज है, दीस कंपनीज आर बेसिकली यंग बट दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम मिड कैप और इवन लार्ज कैप इन द फ्यूचर इन द कमिंग ईयर्स। अब ये कंपनी यंग है, कंपनी नई है मार्केट में, इनमें से कुछ कंपनी अभी बिल्कुल जस्ट जिनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ होगा कुछ साल पहले, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी रही होंगी। तो आने वाले समय में, फ्यूचर में जितने भी मल्टी बैगर्स निकलेंगे वो इसी कैटेगरी में से निकलेंगे, और इवन जितनी भी लार्ज कैप है और मिड कैप है वो कुछ समय पहले स्मॉल कैप भी रही है। लेकिन इसलिए इनमें से स्मॉल कैप कंपनीज में कुछ कंपनीज होंगी मल्टी बैगर्स और कुछ कंपनीज, लेकिन बिकॉज नॉर्मली यहां से ये 251 के बाद की जो भी कंपनीज है कुछ कंपनीज होंगी जो बिल्कुल मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होंगी, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में फ्यूचर में एग्जिस्ट ही ना करे या इंडेक्स से हट जाए या उनको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़े, इसलिए ये कंपनीज रिस्की भी होंगी। तो फंड मैनेजर का यही काम होता है स्मॉल कैप फंड में कि ऐसी कंपनी को चुनना जिनका मार्केट पोटेंशियल अच्छा है, जिनका फंडामेंटल अच्छा है, जो आगे जाके मल्टी बैगर्स बन सकती है, रिटर्न्स पोटेंशियल अच्छे हैं। तो स्मॉल कैप फंड में निवेश करने का यही एक फायदा है। देखो, मुझसे काफी लोग ये पूछते हैं कि मैं डायरेक्टली स्टॉक में क्यों नहीं करूं। तो देखो, अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, मार्केट की समझ है, फंडामेंटल जानते हो, बिजनेस आउटलुक्स पढ़ना जानते हो, बिजनेस इनसाइट्स देखना जानते हो, तो डायरेक्टली स्टॉक में भी निवेश कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको एक या दो स्टॉक्स में चुनना होगा, वो रिस्की होगा। स्मॉल कैप फंड में आपके पीछे एक फंड मैनेजर बैठा है जिसको नॉलेज है, मार्केट के एक्सपर्ट है, और आप और हम सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर बार हर समय मार्केट को हम ट्रैक कर सके, लेकिन फंड मैनेजर की ड्यूटी है, फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंड मैनेजर का काम है, तो वो कर सकता है। तो इसलिए स्मॉल कैप फंड में या फंड म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो एक छोटा सा ब्रीफ में आउटलुक दिया है मैंने कि स्मॉल कैप फंड आपका 65% पैसा उनका इन 251 के आगे की कंपनी में निवेश रहेगा, बाकी रिमेनिंग जो 35% पैसा रहेगा वो आपका मिड कैप और लार्ज कैप में फंड मैनेजर की सोच समझ के हिसाब से या मार्केट के आउटलुक के हिसाब से निवेश करेगा। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि स्मॉल कैप फंड का अभी तक का जो सफर है या जो आपने अभी तक देखा है, अगर आपने निवेश किया हो तो कैसा रहा है। तो दोस्तों देखो, मैं यहां पे 2015 की बात करते हैं। देखो, होता क्या है कि मार्केट में जब भी अच्छी बुल रन रहता है, मार्केट में अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, तो सब कोई इसमें पैसा निवेश करने के लिए रेडी रहता है, और स्मॉल कैप फंड ऐसा ही था। 2018 से पहले मार्केट का फेवर कैटेगरी थी, हर कोई स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहता था। तो आपके सामने देखो फिगर्स है, मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए 2015 में अगर आपने फरवरी 2015 में, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट के अच्छे स्मॉल कैप कैटेगरी ने अच्छे रिटर्न दिए, तो 2015 में अगर आपने 1,00,000 रुपए निवेश किया होता, तो 1,00,000 की बात अगर देखते हैं कि 1,00,000 की वैल्यू, उस 1,00,000 की वैल्यू 15 जनवरी 2018 में 1,78,433 थी। तो काफी बार ऐसा होता है कि जब मार्केट में लास्ट 1 ईयर के 2 ईयर्स के रिटर्न देखते हैं, तो हम में से काफी सारे इन्वेस्टर्स उस कैटेगरी में, उस स्मॉल कैप फंड में या उस फंड में निवेश करते हैं। हम सोचते हैं कि इस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है तो हमें आगे भी रिटर्न अच्छा देगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर कैटेगरी हर समय काम करेगी। आप देखोगे कि इस समय अभी इंटरनेशनल फंड, इवन गोल्ड फंड,
इवन लार्ज कैप कैटेगरी अच्छे रिटर्न दे रही है, लेकिन 2017 से पहले स्मॉल कैप कैटेगरी अच्छे रिटर्न दे रही थी। तो हर समय आपको कुछ समय देना होगा, अगर किसी भी कैटेगरी में जाते हैं, इक्विटी में जाते हैं, तो एक लंबा समय देना होगा। वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखा होगा कि यहां पे अगर किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किया होता, तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,78,433 थी। लेकिन अगर अब किसी ने अगर यहां पे 1 लाख रुपए निवेश किया होता इस समय, क्योंकि उन्होंने देखा कि मार्केट के अच्छे रिटर्न्स रहे हैं और यहां पे 1 लाख रुपए निवेश किया होता, तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू थी 22 अगस्त 2019 में 57,984 थी। यानी आपने अगर मार्केट को देख के 2018 से पहले, 15 जनवरी 2018 से पहले 1 लाख रुपए निवेश किया होता, तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 57,984 रुपीज थी। तो मार्केट में आप देखोगे कि आधा हो चुका है पैसा, लगभग एक साल के अंदर कितना नेगेटिव रिटर्न है आप देख सकते हैं ये मार्केट का। लेकिन इसके बाद मार्केट की रिकवरी आई, इसके बाद मार्केट की रिकवरी आई, और अगर देखोगे आप उसके बाद की सिचुएशन, तो उसी 1 लाख रुपए की वैल्यू 70,101 थी। तो ये अभी तक का मार्केट आउटलुक रहा है कि आपने पुराने हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख के अगर आप निवेश करना शुरू करा है, और अभी देखोगे आपने अगर 2018 में भी निवेश किया होता, तो अभी तक इवन 14 फरवरी 2020 में भी आपके उस 1 लाख रुपए की भुगताई भुगतान वापस नहीं हुआ है, आपने जो प्रिंसिपल लगाया वो भी वापस रिटर्न नहीं मिला है। और इसी चीज को देख के, इसी सिनेरियोस को देख के, हम में से काफी सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को लॉस पे बुक कर रहे हैं और अपने लार्ज कैप फंड में निवेश कर रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट में वापस डाले, ताकि उनका पैसा सेफ रहे। वो ये मान के कि आगे स्मॉल कैप में कोई रिटर्न्स नहीं रहेंगे, या स्मॉल कैप कैटेगरी में या म्यूचुअल फंड अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये समझकर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं और देन फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना शुरू करते हैं। तो उसी तरीके से जब मार्केट में हमेशा बढ़त रहती है, मार्केट अच्छा रिटर्न देता है, तो हर कोई इसमें पैसा लगाना चाहता है। लेकिन जब मार्केट में मंदी रहती है, तो हर कोई उसमें से पैसा विड्रॉ करना चाहता है। तो मार्केट इसी फंडामेंटल्स पे चलता है। देखो अब मैं आपको आगे का मार्केट कैसा रहा है, स्मॉल कैप कैटेगरी का परफॉर्मेंस 2008 से लेके अभी तक कैसा रहा है, मार्केट में कब गिरावट आई है, कब करेक्शन हुआ है, कब रिकवरी आई है, उस बेसिस पर हम आगे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो कि 2008 में भी मार्केट गिरा, उसके बाद लेकिन रिकवरी आई, फिर उसके बाद मार्केट फिर दोबारा गिरा, लेकिन फिर दोबारा रिकवरी आई। और इसी तरीके से हर बार मार्केट में करेक्शन आता है, लेकिन एक जब भी रिकवरी आती है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी एक बाउंस बैक करती है, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करती है और अच्छे रिटर्न्स देती है। कैसे, वो मैंने डेटा में एनालिसिस करा, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैंने यहां पे देखा, मैंने जो स्टडी करी है वो मैंने मार्केट करेक्शन को स्टडी करा। मैंने देखा कि मैंने इस पूरे मार्केट सिनेरियोस में जो भी मैंने आप लोगों को यहां पे बताया कि जितना भी 2008 से लेके जनवरी 2008 से लेके 2020 तक का पीरियड बता रहा हूं मैं आपको, उसमें मैंने आपके वो मार्केट करेक्शन देखे जहां पे 20% या 20% से ज्यादा का करेक्शन हुआ है। छोटे मोटे करेक्शन मैंने नहीं लिए स्टडी में, लेकिन जहां पे 20% या 20% से ज्यादा का करेक्शन हुआ है, वो मैंने मार्केट आपका स्टडी करा और मैंने देखा कि स्मॉल कैप कैटेगरी ने परफॉर्मेंस फिर देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसी रही है। तो मैंने देखा कि देखो 2008 में मार्केट ने -74% का नेगेटिव रिटर्न दिया, स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहा हूं, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी -74% रिटर्न्स नेगेटिव थे। यानी जिसने पैसा निवेश किया था 2008 में, उनका 50% से भी ज्यादा, इवन मतलब 1 लाख रुपए की वैल्यू 26,000 करीब रह चुकी थी। लेकिन उसके आने वाले समय में 5 ईयर्स के जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स थे वो थे 259%। यानी 2008 के बाद जो 5 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न थे, यानी आपने 1 लाख रुपए लगाया, उस 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो गई है, तो वो थे 259%। अगर हम इसको सीएजीआर की बात करें, तो वो मार्केट करेक्शन के बाद, इस मार्केट करेक्शन के बाद 21% का एवरेज रिटर्न रहा है सीएजीआर रिटर्न। उसके नेक्स्ट 7 ईयर्स की बात करें, तो 364% का एब्सोल्यूट रिटर्न रहा है। और अगर सीएजीआर की बात करें, तो 20% का सीएजीआर रहा है। मैं मार्केट करेक्शन के बाद की बात बता रहा हूं आपको। ये ऐसी सेम सिनेरियो 2011 में रहा, 2011 में -40% मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद जो 5 ईयर का जो एब्सोल्यूट रिटर्न रहा है, वो रहा है 158%। और सीएजीआर रिटर्न की बात करें, तो 10%। यानी 2011 में -40% मार्केट रहा, स्मॉल कैप कैटेगरी ने -40% नेगेटिव रिटर्न दिए, लेकिन 5 ईयर्स का एब्सोल्यूट रिटर्न 158% रहा और सीएजीआर 10% रहा। 7 ईयर्स का एब्सोल्यूट रिटर्न रहा 198% और सीएजीआर रहा 10%। 2013 में भी देखो यही कहानी हुई, 2013 में भी स्मॉल कैप कैटेगरी रिटर्न नेगेटिव रहे -25%, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के रिटर्न थे, वो थे 325%। यानी सीएजीआर रिटर्न था 27%।
और 7 ईयर्स का डेटा को किस लिए अवेलेबल नहीं, क्योंकि अभी 7 साल नहीं हुए, 2013 के जो 7 साल होंगे लगभग 2020 के एंड में होगा या 2021 के स्टार्टिंग में होगा, तो उसको स्टडी नहीं कर सकते, सीजार रिटर्न्स भी नहीं देख सकते। 2018-2019 में भी सेम कहानी है, -38% का नेगेटिव रिटर्न्स था। तो अगर हिस्टोरिकल चीजें देखें, हिस्टोरिकल स्टडी करें, तो सीजे सामने निकल के आती है कि जब भी मार्केट 20% से ज्यादा गिरा है स्मॉल कैप कैटेगरी में, जब भी -20% से ज्यादा मार्केट करेक्शन रहा है, हमेशा स्मॉल कैप कैटेगरी ने स्ट्रॉन्गली बाउंस बैक किया है और रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न भी इवन अच्छे रहे हैं। तो ये अगर आप देखोगे 2018-2019 में मार्केट की हालत, मार्केट ऑलरेडी -38% था, और अगर आप देखोगे मैं आपको जो स्टडी में भी दिखाऊं अगर आपको, तो आप देखोगे कि ये रिकवरी सिग्नल भी देखने को मिल रहा है। तो ये सही समय है स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करने का। अगर आप भी स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, स्मॉल कैप फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, और अगर आपको लार्ज कैप फंड, आपको लमसम में भी पैसा लगाना है, तो भी आप टेक्टिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्मॉल कैप कैटेगरी में। SIP करना चाहते हो तो भी SIP कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज नॉर्मली हर मार्केट करेक्शन के बाद एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है, अच्छी रिकवरी देखने को मिली है स्मॉल कैप कैटेगरी की। कैटेगरी का जो हिस्टोरिकल डेटा है वो तो यही बोलता है। तो इसीलिए मैं फेवर करूंगा कि अगर आप भी निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, और क्योंकि मार्केट करेक्शन रहा है आने वाले कुछ लास्ट दो साल में मार्केट करेक्शन रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखोगे, तो लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप कैटेगरी ने ऑलरेडी 15% के रिटर्न दे दिए है। कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 15% रहा है, लास्ट 9 महीने का जो रिटर्न्स रहा है वो अच्छा रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो ये धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, और इस समय रिकवरी में पैसा लगाना, इस समय जब मार्केट रिकवरी कर रही है, इस समय निवेश करना बिल्कुल सही समय है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये बिल्कुल सही समय है, स्टडी यही बोलती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो मैंने इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट रखा है। आप मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो, नीचे लाइक का बटन है, लाइक कीजिए प्लीज। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो, मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी इनसाइटफुल आर्टिकल्स, इनसाइटफुल नॉलेज आपको देता रहता हूं डेटा के साथ में हमेशा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो नीचे चैनल पे मैंने सब्सक्राइब का नीचे बटन है, सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप मेरे आर्टिकल्स को फॉलो करना चाहते हो, जिसमें मैं आर्टिकल्स लिखते हो, मेरे आर्टिकल्स में आने वाले टाइम में मैं अपने आर्टिकल्स भी उन लोगों के साथ जिनके मेरे ईमेल्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको मैं अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे अच्छे डेटा उनको प्रोवाइड करा सकूं, तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे मेरे प्रीमियम आर्टिकल्स का, वहां जाके आपको सिर्फ अपनी जो भी आपकी वैलिड मेल आईडी है उससे रजिस्टर कर सकते हो। तो आने वाले समय में मैं कुछ अपने कुछ आर्टिकल्स का न्यूज़लेटर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको आर्टिकल्स भेजा करूंगा, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे अच्छे इनसाइटफुल आर्टिकल्स, बेस्ट फंड कौन से है, टॉप फंड्स कौन से है, किस बेसिस पे मैं निकाल रहा हूं, पूरा डेटा क्या है, एनालिसिस क्या है, या आपके जो भी सवाल होंगे वो सवालों के जवाब भी मैं वहां पे दूंगा। तो आप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रीमियम आर्टिकल्स का लिंक है, वहां पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, आप इक्विटी में बिलीव करते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैंने नीचे एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, जिनका मैं एफिलिएट पार्टनर हूं। करना चाहते हो, अगर आप डीमैट भी ओपन करना चाहते हो, तो नीचे डीमैट पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिकॉज आप मेरे वीडियो के थ्रू देख रहे हो, तो आपको कोई फर्स्ट ईयर कोई फी पे नहीं करनी, पहले साल आपको कोई पैसा नहीं पे करना, और ब्रोकरेज भी आपको जो डिलीवरी का मॉडल है उसमें फ्री है, यानी आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी, क्योंकि मैं बेसिकली हमेशा बिलीव करता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो डिलीवरी में आपको कोई चार्जेस नहीं देना। और क्योंकि बिकॉज आप मेरे चैनल के थ्रू जुड़ोगे, अगर वहां पे एफिलिएट के थ्रू जुड़ोगे, तो आपको फर्स्ट ईयर कोई आपको कोई फी नहीं देनी होती। फर्स्ट ईयर आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है, सेकंड ईयर से 300 रुपए के करीब है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन ब्रोकरेज बहुत कम है। तो आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका भी वहां जाके जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही था, मेरा फिर बता देता हूं, मेरा 500 लाइक्स का टारगेट है, लाइक्स टारगेट को अचीव करने के लिए मेरी हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।